ये कार्गो रिसीव हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ऐ ऐ पुरजा जी हो, ऐ देखो ऐ पिंडी जो मंगाया है, ऐ रब का शुक्र है कि मिल गया है। हम दुआ करो कारीगर को जा रहे वर्कशॉप रक्षे से बह के लग जाए गड्डी नूं, ऐ गड्डी है कि पता नहीं की बला साढ़े सिर पै गई है। कम होएगा तो फिर होर 8-10 काम ने हो गए, हाले पता नहीं होर किन्ने पुरदे निकलते होर किन्ने नहीं मिलते, कोई खबर कोई नहीं है जी। मेरे कहने का मकसद ये है मैं बहुत भी आगे चीज और रखो जी, हर चीज़ आसानी ना मिल जाए। चाची नहीं मिले जनाब है, हम पिंडी एक बंदा मिले उन्हें जनाब ट्रेस करा के दिता, हाले खबर कोई नहीं लगता कि नहीं लगता। खराब भी हो खराब ही जोड़ देनी तेल शेल ला के ना गड्डी मार वेखो ए गड्डी साढ़े बहुत कहने ने जी पूरे पाकिस्तान ने 4 गड्डिया ने, मैं कल मुल्तान 6 वेख लिया ने। मेरा तो खुदा ने बंदे मेरा बस चले ना तो मेरी छत कट के मझा पट्ठे पावा मेरे घर मझा ने तो मझा ना पट्ठे खाने दे कुरली बना लवा। Meanwhile, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मुल्तान आया हुआ था। एक तो ये गाड़ी सिटी सेल के लिए मैंने देनी थी और दूसरी जो लैंड क्रूजर ट्रॉफी मैंने बाय की थी उसके कुछ काम थे, वो रमज़ान करवा रहा है, एक पार्ट नहीं मिला उसका, वो भी रात पिंडी से मंगवाया है वो पहुँच गया है तो वो करवा रहे हैं। मुल्तान में बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं, मैंने बहुत सारे प्लान किए हुए होते हैं कारोबार के हवाले से, तो वो चीज़ें अभी बीच में रह गई हैं। क्योंकि लाहौर जाता हूँ तो लाहौर में बहुत सारे मामलात होते हैं, मुल्तान आता हूँ तो मुल्तान के अंदर होते हैं। खैर वो मैं आपको बाद में डिस्क्लोज़ करूँगा क्या क्या चीज़ें हैं। वो अपनी सेल को इन्हांस करने के लिए इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैं सोचता रहता हूँ ख़ुद से और वही करता रहता हूँ। अभी बस वर्कशॉप जा रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या काम हुए हैं क्या क्या मज़ीद रहते हैं। अगले कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, इतनी ज़बरदस्त खड़ी हुई है नीचे से गाड़ी, देखा करो ऊपर से अगर कोई चीज़ देख लेते हो नीचे आओ, नीचे घुसो नीचे आके देखो, 1,05,000 चली हुई है। ये लीक है नंबर सील है, ये डलेगी इस साइड में दो, ये दोनों डाल दो बस आई। अच्छा इसके अंदर कोई काम है? नहीं फिलहाल तो कोई काम नहीं है, खोल के थोड़ी सी हल्की सी नहीं वो काफी सारी है। हाँ वो कम करो ऐसे हो जाएगी। गाड़ी खड़ी है, ये कोई बंद बना वाली गाड़ी नहीं है, नीचे सब खड़ी के रो रहे हैं, सब खड़ी। तुम नीचे गए हो? तुम नीचे जाओ, नीचे जाओ, वहाँ से गाड़ी को पता लगता है नीचे से गाड़ी क्या खड़ी हुई है ना, गर्म नहीं होती गाड़ी। अच्छा और जो टाइमिंग बेल्ट वगैरह होती है वो चेक कर दिए। ओके जंगले वाले को बुला ला, ये इसके जैनमन है, इसके ऊपर वो पीस लगा है, लगने हैं ये देखो इधर आओ गड्डी लैके चलने साहब की गड्डी, साहब नी अज सा दिहाड़ी सारे जगह कम करो गड्डी खलोवो, कल सानू एक दिन दो दिन बड़े हो गए ने रात एक दिन साहब नूं खड़ा करके साहब ने कहा चाबी फड़ो तो ए मेरे बच्चे जाओ तुसी नाश्ता माश्ता करो खाओ पियो तो जिंदगी जियो, एक अकेली जी हैगी पहले यदा पता करांगे आराम नाल ते सुकून नाल, सुकून नाल फिर लस्सी छस्सी अपने होटल तो जाके पीवेंगे नाश्ता करांगे फिर आवेंगे। फिर कोई करा दो सादा रोटी आम तंदूर वाली, गरीब बंदे हैं सर जी, छोले छोले बिल दोगे? बिल तो बगैर कुछ नहीं मिलना, तुसी अपने खाते पाओ तो भावे साहब के खाते पाओ, नहीं मैं अपने पास खाते तेनों इतना मुल्तान का कोई काम कह दिए तो तू पहुंचा उन्ना लंदन के नहीं जी मैं लाहौर के काम करने हैं, साहब के खाते क्यों भाई साहब के खाते खानी है लाहौरों खा इतों क्यों खिलाइए, ग्रेवी शरेवी पा दे कोई शोर इतने साढ़े पास हांडिया की ग्रेवी वाला रिवाज कोई नहीं गा, इतने तो स्टाफ फूड बनेगा 3 बजे, 3 बजे तो पहले कुछ नहीं मिलता, थोड़ा जहा ना चेक करना है वैसे ना कोई निहारी निहूरी की ग्रेवी कोई चने तू कोई उतो फूड अथॉरिटी चेक करवाई है
पानी पी लिया ठंडा जनाब असि है एचन फूड से बॉस के है ने हेड मैनेजर ने एचन फूड से इन्होंने मिलता जुला किया भी सू गरीबी शरीबी लिया दो मेहरबानी इन्होंने केबन च बिठाया फिर ए सी उसी चलिया ठंडी हवा है बॉस में असं खड़ा करके गड्डी के कोल भी अच्छ दिहाड़ी तुम गड्डी को गुजारनी है सू कल दिहाड़ी बड़ी हो गई असं नाश्ता करके फिर बॉस के बारे सोचा कि जाने कि नहीं जाना गर्मी सू उ खड़ा कर आए पहले इतने मुल्तान की गर्मी ज्यादा है सारों तो गुस्से ना लौन गए तो इन्नी कोई गलती निकल आई मेरी चुका के बेइज्जती करवाओगे तुसी नाश्ता कर ले इरादा है बॉस को बॉस साडे बंदे है ने बड़े नफीस जे कि गर्मी ना बहुती लग जाए उन्होंने सानू फिर भी ख्याल है बॉस नू भी साडा बड़ा ख्याल है सानू बहुता ख्याल है मैं अभी रेस्टोरेंट से निकल रहा हूँ ये भाई साथ हैं ये उस्तादों के उस्ताद हैं इनको एक गाड़ी बेचनी है और मैंने पूरी इनके साथ ना जोर लगाया है अपना एक रेट के ऊपर अड़े हुए हैं अभी जो हम सब के उस्ताद हैं ना अब जा रहे हैं उनके पास फिर देखते हैं रेहान भाई कितना जोर लगाते हैं और हमारे उस्ताद जो है ना वो कितना जोर लगाते हैं भाई जिनके पास लेके जाए उन्होंने वैसे हमसे सारे पैसे ले लेने हमारी गाड़ी ऊपर बिक रही थी इनके वालिद ने कर दी उनके साथ मेरा बड़ा ताल्लुक है इन्होंने पैसे कम करवा दिए ऐसा होता नहीं है कि बंदे की महंगी चीज जा रही है वो कम में दे दे और इनको मैंने बोला आप उधर ले जाए उस बंदे के पास वो भी आपको ज्यादा पैसे इतने यहाँ पे आए थे रेहान भाई के साथ पेमेंट लेने के लिए सिटी की इधर से जी HBL आपको दिखाऊं यहाँ से पेमेंट ली है अभी दोबारा जा रहे हैं स्कूल वाला जो ऑफिस है वहाँ से डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के उठाने हैं फिर भाई को गाड़ी इनके हैंड ओवर करते हैं ये जी यहाँ से ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स इनको दे दिए उनको हैंड ओवर कर दिया पाकिस्तानी गाड़ी का ना ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि जब चाहो ये फौरन सेल हो जाती है घंटों में सेल हो जाती है गाड़ी तो ये सेल कर दी अभी इसका काम तकरीबन जो है एंड होने वाला है मैंने अपने तौर पे ना मैं वहम करता हूँ चीज़ों में मैं कहता हूँ हर चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए मैंने इसकी सारी चीज़ें जो सर्विसेज होती हैं जो इश्यूज होते हैं मैं वो सारे मुकम्मल मैंने इसके करवा लिए हैं ऑलमोस्ट छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं इसको मुकम्मल करूँगा मुकम्मल करके इसके ऊपर फिर मैंने टूर करने का प्लान करना है थर्मोस्टेट वॉल चेक हो रहा है अभी इसका ना कि काम करता है कि नहीं करता खुल गया मतलब क्या सही है जी वॉल आ गया ना रिंग ब्लैक रिबन पीछे आ गई है वापस जाएगा इसका मतलब ये ठीक है Three hours later. अरे प्रभु यार गाड़ी तो होगी साड़ी ठीक है ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਟਰਾਈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੇਂਜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਇੰਜ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੁਲ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਆਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ गर्म में होगी या ठंडी में होगी जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे ना ऐसे स्टार्ट इस पंप की क्या कंडीशन है जो गाड़ी के साथ लग के आता है वही होगा नया भी मिलता है हमारे पास मिलता है मार्केट लोकल मार्केट से मिलता भी नहीं है हम नए पंप की तरफ जाएंगे ना 1,10,000 लगेगा रिपेयर भी नहीं हुआ होगा ये 1,05,000 जब इस तरह होगा ये 4 सिलेंडर है वो 6 होगा डीजल का खर्चा कम डीजल का तो 12-13 किलोमीटर की एवरेज होगी क्या होगा ये तो एस्पेक्ट सुपर रिपेयर ही करवाते हैं
भाई मेंटेनेंस एक इतनी कम चली हुई गाड़ी है, इसकी मेंटेनेंस चाहिए, इसमें थोड़ी सी चीज़ें चाहिए, हर चीज़ की मेंटेनेंस होती है, ऑयलिंग होती है, कोई फॉल्ट नहीं निकला पूरी गाड़ी के अंदर से, लेकिन जो उसे कुछ चीज़ें होती हैं वो जब गाड़ी चलती है तो वो चेंज करानी पड़ती है। मैंने इसको बोला है एक महीने में जो है ना तुम इस गाड़ी से कन्विंस होगे, तुम कहोगे कि बहुत अच्छा किया गाड़ी लिए। मैंने कहा या मैं भाग जाऊंगा इस गाड़ी से कि यार मेरे से गलती हो गई है, या तुम बोलोगे कि ये अच्छी है गाड़ी। इसने अब असल में काम करवाया, हम लोग नए मॉडल की गाड़ियां लेते हैं, इतना काम नहीं होता। अब इसका भी दिन गया है, साथ में मेरा भी दिन गया है, तो टाइम हमारा बहुत ज़्यादा है, बस मेन मसला टाइम का है। मेरे काम तो मैंने कहा यार तो बिल्कुल ओके जो अभी लास्ट टाइम हुई है उसमें भी हमने इस गाड़ी का रेट लगाया था। देखता हूँ कि लगे अगर हो सके सलमान भी इसका कोई फीचर रख सकता है एसी का। आप सेंटर में कहीं करके पंखा लगाएंगे ना, आगे वाली बेंच से वो हवा खींचता रहेगा, वो किस जगह पे लगेगा? इधर किसी भी एक पिलर पे लगा दीजिए। और ये जो गाड़ी है ना, ये तो सच हवा के लिए होता है, ये एसी की जानिए नहीं है। अरे बॉस कहने कंचा गड्डी, कंचा पीस है, ब्रांड नहीं है ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਆਇਆ। ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਜੀ, ਇਸਕੀ ਡਰੇਨੇਜ ਬਲੋਕ ਥੀ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹਾ ਥਾ, ਉਹ ਡਰੇਨੇਜ ਹਮਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਲੂਜ਼ ਹੁਆ ਵਾ ਥਾ, ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਕੋ ਹਮਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੀਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੇ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨਾ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਰ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ, ਹਮ ਜਗਹ ਲਾਹੌਰ ਰਹਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ ਗਾੜੀ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਕਾਮ ਕਰਾਨੇ। छोटे मोटे काम किए करते तो ले लेते। एसी का काम करवा लिए हैं अभी, इसमें जो है इसकी फ़र्श के ऊपर कुछ काम होने वाला है, तो कोई शीट्स होती हैं वो साउंड को कम करने के लिए, हीट को कम करने के लिए, वो मैंने वो लगवानी है। और देन जो है सुबह एक काम इसका और रह जाएगा, वो करवा के कल हम फिर जाएंगे वापस। भाईजान ए गड्डी ए इत्थे आ गई हुण 8वीं जगह ते, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬੈਡ ਹੈ, ਬੈਡ ਪੂਰਾ ਬੈਡ ਬੈਡ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹੀ ਲਗਵਾ ਲੈ ਹੈ ਸਭ ਬਿਹਤਰ। 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਅੱਲਾਹ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਅੱਗੇ ਲਵਾਈ ਖੜੀ, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸੋਫਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਲਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਫਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, इसका बहुत फायदा है। इसको कोई चीज़ पसंद आई है सारा, इसका ये फायदा है ना, कहीं पानी शानी में गाड़ी जाए नीचे से पानी अंदर नहीं आएगा। सची ये गोलगप्पे खाने हैं अपने? गोलगप्पे बनवा रहा है सारा दिन, मैं यही खा रहा हूँ, किसी रेडी से मैंने लस्सी भी है, आइसक्रीम वाले भी है, ले आइसक्रीम ले आ जा अभी अब्दुल वाले आ जा, तुम पैसों वाले, मेरे पास पैसे नहीं है बाबा, आइसक्रीम वाला ही अल्लाह आ जाएगा। टूटी फ्रूटी कप जो है ना वो बना दे, उसमें फ्लेवर डलवा लें, कुल्फा और इस तरह के 2-3 डलवा लें, अच्छे अच्छे। साडा दिल किया है आइसक्रीम खाने, सारा दिन गर्मी थी, अग लगी पई थी अंदर, तो दिन वो दाल खा बैठे गर्म मसाले वाली। बॉस कॉल आए ने हौली जी, कह दी तो बॉस ने सर जी आइसक्रीम खानी, तुम साहब कहते जाओ यार ले आओ, मेरे लिए भी ले आओ, खुद भी खाओ, इन्नी गलती है बाबा आइसक्रीम पे आ गए। फ्लेवर यार हूँ मैं, मैनू की पता की होंगे इतने
टूटी फूटी होंगे फ्लेवर, पता नहीं कि स्ट्रॉबेरी कोई चॉकलेट फ्लेवर या कप ही आ रहे इन्ने इन्ने पे उन्होंने कोई व्डे कप ने इन्हों की बनना है संघ तक नहीं पहुँचनी जो कप कढ़न डे हो। ये मुजम्मिल पोशिश जोन, ये इनसे मैं सारा काम करवाता हूँ, यानी ये जो गाड़ी की सेटिंग, सीट कवर्स, ये हीट के लिए एक इंसुलेशन होती है ये इंस्टॉल करके दे रहे हैं, ये ना इससे जो नीचे से हीट आती है ना ऊपर गाड़ी को वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा बड़ा ईमानदार लड़का है, इसी से सारा काम करवाते, सारी गाड़ियाँ इसी के पास आती है जिसमें कोई इस किस्म का काम होता है। मुल्तान में इसकी शॉप है, प्लाजा कौन सा है? जीनत प्लाजा नवा शहर चौक। इसी वीडियो पे जो हमारा पूछा होगा, ये वीडियो देख देख के हम जिएंगे, ये वीडियो देख देख के हम रहेंगे। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? तस्लीम भाई आ गए हैं, इन्हें पता लग गया तो मैं इधर हूँ, खाना शाना लेके आए हैं। तो हम लोग अफरा तफरी में टाइम भी नहीं मिला था, खाना खाने का भी नहीं मिला था, तो खाना ले आए, खाना खाएंगे बैठ। भाई की बात, हाँ बैठ यार, खा यार बैठ जाना, बैठ आ जा, बोले जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको जगह दिखा दी है, आ जाए यार, देख रहे आप इतना हो जाएगा एंजॉय, क्या आपको मना किया था कि थोड़ा मना किया फिर मना किया पता नहीं लगता, पकड़ो रोटियाँ पकड़ो जी। सलीम भाई ने रोटी छोटी ला के दे दी है, सलीम भाई मेरे भाई हैं दरबारी कबाब वाले, खाना शाना हमने अच्छा फुल हो गया खा लिया सारा दिन, आज तो भाग दौड़ पानी पी 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 के मेरी ऐसी की तैसी हो गई, अब जाएंगे घर जाके सोऊंगा, ये बेचारे लगे रहेंगे दोनों, यार ये मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने सोना है जाके पी लें थोड़ी सी, घट ले लो ये आप अंदर बाहर रखें, क्या करना है पीनी है आपने? नहीं सर जी वो रखते हैं, उन्होंने चक लेने उन्हें देर सर जी बैठो इतने तो मैं पी लवा तो मैंने शुरू करा, देखें भाई जान ये कोशिश हो रही है, यह थले जो मटीरियल लवाया ना यह देख है लुक टैप, यह गड्डी जी थलो हीट मारेगी ना वो हीट नू कवर करेगा, तो यह बॉस ने कहा तो पीछे तुम बहना है तो सुकून रहे टेंशन ना होट ना पवे ठंड रहे, तो उत्ते करा रहे हैं यह दो चीज़ा हो गई, इस तो उत्ते फिर होर करा रहे हैं कोशिश कि जी रैगजीन की मोटी रैगजीन की ताकि सीटा फोल्ड करके बंदा थले लेट ही सके सुकून भी कर सके। ए जनाब आए ने साडे भरा नासर सियाल, ते ए देखो जी साडे वास्ते बोतल चाहिए हुई, समझा के रमजान भाई परेशान ना हो भाई, जो है ना मुल्तान में आए हैं तो हमारी किसी ने खिदमत नहीं की, मेहरबानी जनाब मेहरबानी। ए साहब बन गया, ए जनाब है ने साडे भरा मदर भाई, ठीक है ए रात दे 3 बजे रहे ने असी हले है बॉस दी गड्डी दे चक्करां च लाए, चलो अल्लाह ख्याल रख सी गड्डी बुला लई माशाल्लाह, गड्डी लई अंग्रेजा को जनाब साहब कहंदे इहदे च वड्डे वड्डे शेर डकरे ने इस गड्डी दे। 80 मिनट्स लेटर, ये यार हुण धर्मानी दाई खड़ी टाइम की होया यार, 4 वजण दे ने भाई 4 यार, घंटा हाले होर लगना है, बॉस ने आखिया अपना 8 बजे यार जलगड्डी लैके जानी है डीजल बैटरी आकर साहब को, की बनेगा यार मैं तो बड़ा परेशान हाँ, सुबह हो गई है टाइम हो गया कोई 5 का, हम गड्डी लैके उतों निकले हैं कोशिश वाले को, अपने होटल से आए हैं अभी तो ठंडा पानी पी लीए कोई चाह शाह पी लीए तो फिर निकलते हैं अभी उसे एम डी नहाने धोने मूँह धोने कपड़े पाने तो फिर अभी 8 बजे जाना है लबाटरी वाले को उसे गड्डी लैके जानी, अल्लाह रखे खैर पता नहीं कितना टाइम लगता है उसे फिर साढ़े बॉस ने निकलना घर वास्ते हूँ।